बोलन। तो अभी देखो, कल हमने एग्जाम्पल देखा था किसी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर का अवकलन। जब करते हैं तो अवकलन तो सूत्र की तरह कर देते हैं, परंतु बाद में वो अवकलज लिखना नहीं भूलते हैं। ठीक है, याद रखे रहना। अगर x के सापेक्ष y का कर रहे हो तो क्या लिखा जाएगा? डी बाई डी एफ। जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो नीचे लिखा जाएगा और जिसका कर रहे हो वो ऊपर लिखा जाएगा। इसी प्रकार देखो, हम लोग ये कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल, 2t³ का x के सापेक्ष अवकलन, ये भी देख लो यहीं पे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दो बाहर करोगे और डी डी एफ साफ किसका करोगे? टी क्यूब का। ध्यान से समझना बात को, क्या हो रहा है। दो बाहर घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, लेकिन तुमको ध्यान देना है कि तुमने एक्स के सापेक्ष टी का किया है। नीचे एक्स है और ऊपर क्या है? टी। अगर एक्स के सापेक्ष एक्स का ही करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि डी एफ लिखोगे कट के खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब दूसरा चर पद आता है तब परेशानी बढ़ती है ना। इसीलिए यहां पे ध्यान देना है किसका कर रहे हो तुम। टी का कर रहे हो ना, किसके सापेक्ष कर रहे हो? एक्स के सापेक्ष। तो जिसका कर रहे हो वो ऊपर, जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो नीचे, अर्थात डी टी डी एक्स लिखना आवश्यक है। हो जाएगा, डी टी डी एक्स लिखना आवश्यक है। तो क्या बनेगा? 6t² फिर डी टी डी एक्स हो गया ना। ऐसे ही देख लो, अगर तुम्हारा x² है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बताओ जी क्या होगा? जी t के सापेक्ष अवकलन को क्या लिखेंगे? डी डी एक्स लिखेंगे। जब x के सापेक्ष यहां किए हैं तब डी डी एक्स लिखे हैं, लिख रहा है। t के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी डी टी लिखेंगे। जिसके सापेक्ष करते हैं वही तो लिखा जाएगा। डी डी एक्स यहां झोंके जाएंगे, डी डी टी ऑफ x²। ध्यान देना, टी के सापेक्ष हो रहा है इस बार, डी डी टी ऑफ x² घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, लेकिन एक चीज लिखी जाएगी। क्या? डी डी टी तो लिखा ही जाएगा। किस चर पद का अवकलन कर रहे थे? एक्स वाले का, इसलिए एक्स ऊपर लिख दिया जाएगा। मतलब 2x डी टी डी एक्स है ना, हो जाएगा। इसको डी टी डी एक्स पढ़ेंगे, कदे डी एक्स डी टी पढ़ेंगे उसको। पहले से ही बोलो ना, उल्टा लिखे हैं। हो गया, साहब लोग इस तरह से लिखना है तुम्हें, बाकी कर सकते हो। बस यही याद रखना, एक के सापेक्ष अगर दूसरे का किए तो इसको लिखना आवश्यक होगा। अभी के अभ्यास में तुमको केवल डी वाई डी एक्स और डी एक्स डी वाई मिलेगा। अगर एक्स के सापेक्ष वाई का कर रहा हो तो डी वाई डी एक्स लिखना, और वाई के सापेक्ष एक्स का कर रहे हो तो डी एक्स डी वाई लिखना। लिखवाया ना एक्स के सापेक्ष, ये एक्स के सापेक्ष वाई वाला लिखवाया था। अभी तक भी देखो, अभी तक भी वही रूल था, समझ गए? अभी तक हमको क्यों नहीं पता चला ये? क्योंकि देखो, फिलहाल के लिए इधर यहाँ पे हम लोग सवाल को y के बराबर लगा रहे थे ना, y के बराबर लगा रहे थे, तो इसको जब हम लिख रहे थे डी वाई डी एक्स लिख रहे थे ना, पता नहीं चल रहा था हमको। क्यों नहीं पता चल रहा था? क्योंकि इसमें भी देखो बात वही थी। क्या? डी डी एक्स ऑफ वाई, y का अवकलन क्या होगा? जैसे x का अवकलन एक होता है ना, वैसे y का अवकलन भी एक होगा। अगर अभी y के सापेक्ष करते तो एक होता कि नहीं होता? इसका तो एक होगा, लेकिन तुमने x के सापेक्ष y का किया ना, इसलिए क्या लिखना जरूरी है? डी वाई डी एक्स लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक का गुणा होता था, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती थी। सीधे सीधे हम लोग डी वाई डी एक्स लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? अंतर होगा, y की जगह कुछ दूसरी चीजें हो जाएंगी, y² हो जाएगा, y³ हो जाएगा। अंतर साफ साफ दिखेगा तब। नोट कर लो,
अब हेडिंग लिखो और अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना, अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना। अस्पष्ट फलनों का अवकलज ज्ञात करना हो गया। तो अब देखो, अगर तुम्हें अस्पष्ट फलनों का अवकलज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? देखो, इसमें सर्वप्रथम दिए गए फलनों को लिखते हैं, दिए गए फलन को लिखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए फलन को लिखते हैं, हो गया ना? फिर दूसरा नंबर, यदि dy dx ज्ञात करना है तो, फिर यदि dy dx ज्ञात करना है तो, संभवतः सवाल में dy dx ही पूछेगा। फिर यदि dy dx ज्ञात करना है तो हो गया, dy dx ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, हो गया ना? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट, सभी dy dx वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, फिर सभी dy dx वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, फिर सभी dy dx वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, हो गया? और शेष पदों को दूसरी तरफ कर लेते हैं, शेष पदों को दूसरी तरफ कर लेते हैं, शेष पदों को दूसरी तरफ कर लेते हैं, हो गया? अगला पॉइंट, अब dy dx को कॉमन करके, अब dy dx को कॉमन करके शेष पदों का पक्षांतर कर देने पर, शेष पदों का पक्षांतर कर देने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है, शेष पदों का पक्षांतर कर देने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है, हो गया ना? तो ध्यान देने वाली बात है, सवाल देखा जाए। अब एग्जाम्पल मान लो, सवाल कुछ इस तरह से था, x प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y प्लस टू,
ठीक है, ये एक अस्पष्ट फलन है क्योंकि इसमें y की वैल्यू x के पद में आसानी से नहीं निकलेगी, होगा भी तो y स्क्वायर प्लस y दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा कि केवल y बराबर निकल जाए केवल x के पद में निकल जाए, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ये अस्पष्ट फलन है तो तुमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्या ज्ञात कीजिए डीवाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, सवाल में बताएगा तुमको क्या ज्ञात कर रहा है, क्योंकि अस्पष्ट फलनों में पता थोड़ी ना चल रहा है कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है, दोस्त को देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर भी एक है एक्स स्क्वायर भी एक है, वाई भी एक है एक्स भी एक है, बता पाओगे क्या कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है, नहीं, इसीलिए सवाल में दिया गया होगा कि करना क्या है, तो यहाँ पे सवाल में दे दिया गया क्या निकालना है डीवाई डी एक्स निकालना है, अर्थात अवकलन किसके सापेक्ष होगा एक्स के सापेक्ष, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, हो गया ना, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले तो दोनों पक्षों में तुम डी डी एक्स लगा लो, एक बार ही समझा देते हैं फिर बाद में जल्दी जल्दी करते जाना, दोनों पक्षों में तुमको डी डी एक्स लगा देना है, अब हमने देखा जितनी बार प्लस लगा होता है उतनी बार डी डी एक्स अलग अलग हो जाएगा, कर सकते हैं अलग अलग, तो क्या होगा डी डी एक्स आप एक बार x और फिर डी डी एक्स आप एक बार y स्क्वायर, फिर डी था डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर, फिर डी डी एक्स आप y और डी डी एक्स आप दो, हो गया ना, तो अभी आगे देखो क्या करेंगे, डी डी एक्स आप x की वैल्यू एक, क्या यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष एक्स का ही कर रहे हैं, लिख रहा है ना, जिसके सापेक्ष उसी का करेंगे तो वहां पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो नीचे एक्स है और हम किसका अवकलन करने वाले हैं वाई का, एक्स के सापेक्ष हम करेंगे इस बार वाई का, तो इस बार लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा भी तुम लोग बताओगे, पहले तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का अवकलन करो कि घात आगे आएगी घात में से एक घट जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे डीवाई डी एक्स, क्योंकि वाई का कर रहे हैं वो ऊपर रहेगा और किसके सापेक्ष कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो वो नीचे रहेगा डीवाई डी एक्स और बराबर यहाँ पे तो फिर वही हो गया एक्स के सापेक्ष एक्स का ही, इसकी इसकी घात आगे आ गई घात में से घट गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाए, होगा ना ऐसा, फिर क्या करना है हमको, देखो वाई का अवकलन एक होता है ना, इसका अवकलन सूत्र की तरह करोगे तुम, जैसे डी डी एक्स आप एक्स का एक होता है वैसे डी डी एक्स आप वाई का भी एक होगा, लेकिन साथ में क्या लिखना आवश्यक है डी वाई डी एक्स लिखना आवश्यक है, और दो तो अचर पद है इसका क्या हो गया जीरो, तो हमने कहा दोनों पक्षों का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर लो, क्यों एक्स के सापेक्ष किए, क्योंकि डी वाई डी एक्स निकालना था, अब इसमें सभी डी वाई डी एक्स वाले पदों को एक तरफ पकड़ के लाओ बाकी को दूसरे साइड में ले जाओ, माने तो ये है डी वाई डी एक्स वाला पद अर्थात टू वाई इंटू डी वाई डी एक्स, हो गया, उसके बाद ये देखो इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस वन इंटू डी वाई डी एक्स होगा, और बराबर तो इधर पहले से ही टू एक्स बचा हुआ है, इधर प्लस एक उधर जाके माइनस एक हो जाएगा ना, तो अभी ध्यान दो क्या करेंगे, हमने कहा आप डीवाई डी एक्स कॉमन करके पक्षांतर कर देते हैं, तो डीवाई डी एक्स दोनों में दिख रहा है डीवाई डी एक्स कॉमन कर लो, बचेगा क्या टू वाई माइनस वन बराबर बचेगा इधर टू एक्स माइनस वन, ये गुणा में है गुणा कितने भाग बदल जाएगा भाग में, तो टू एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हो गया ना, कभी कभी सवालों में क्या करते हैं y के लिए x के सापेक्ष अवकलन थोड़ा कठिन होता है और उसी को अगर y के सापेक्ष देखें तो काफी आसानी से हो जाता है, तो हम क्या करेंगे अवकलन y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, माने तो अगर यहाँ पे इसका अवकलन y के सापेक्ष करते तो dx dy मिलता हर जगह हमको मिलता और उत्तर भी dx dy आता और इसका ठीक उल्टा आता, जबकि आंसर में पूछा था dy dx पूछा था, तो क्या करते इसको पलट देते इसको पलट देते, अगर dx dy मिल गया तो उसको पलट के फिर हम dy dx निकाल सकते हैं, हो जाएगा, जैसे यहाँ पे तुमको dy dx मिला है इसको पलट दो तो dx dy मिल जाएगा, अगर सवाल में तुमसे dx dy पूछ दे तो इसको उल्टा कर दो मिल जाएगा, हो जाएगा, नोट करो इसको नोट करो फिर इंडिकेट पॉइंट में उसको लिखवा देते हैं फिर तब अभ्यास पे आते हैं,
नीचे के इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट लिखो। यदि अस्पष्ट फलन का y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो, यदि अस्पष्ट फलन का y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dx dy प्राप्त होता है, dx dy प्राप्त होता है। जिसे उल्टा करके dy dx प्राप्त किया जा सकता है। हो गया है, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देख लो, वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, हो गया ना। तो अभी इस काम क्या करते हैं, y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इस बार x के सापेक्ष नहीं, इस बार y के सापेक्ष करेंगे। ध्यान से समझना इस बार। तो अब तो पता चल गया, तो डायरेक्ट करो, डी डी वाई ऑफ y की पावर 4, डी डी वाई ऑफ y का क्यूब, डी डी वाई ऑफ किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, और प्लस डी डी वाई ऑफ x, और प्लस डी डी वाई ऑफ 5। ये तो देखो, अब y के सापेक्ष y का ही हो गया, y के सापेक्ष y का इधर, y के सापेक्ष x का इधर, y के सापेक्ष x का। घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा। क्या dy dx लिखना आवश्यक होगा अब यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि y के सापेक्ष y का ही कर रहे हैं। यहाँ भी घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, यहाँ भी लिखना आवश्यक है? नहीं। यहाँ पे घात आगे आएगी और घात में से एक घटेगा, 2x बचेगा, और उसके बाद इस बार dx dy लिखना आवश्यक है, dy dx नहीं, dx dy। क्यों? क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हो तो y नीचे रहेगा, किसका कर रहे हो, x का कर रहे हो तो x ऊपर रहेगा, हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे x का अवकलन 1, और लेकिन साथ में क्या लिखना है, dx dy प्लस इसका अवकलन 0। अभी ध्यान देने वाली बात है, 4y³ प्लस 3y² इज इक्वल टू x, कॉमन कर लेते हैं इसमें से। देखो dy dx दोनों में से बाहर निकाल दिए हैं, 2x इसमें बचेगा और प्लस 1 इसमें बचेगा ना। तो अब उसके बाद ये गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 4y³ प्लस 3y² अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल क्या बचा जी, dy dx। ये यहाँ पे dy dx मिल रहा है ना, दिख रहा है। हम लिख देते हैं भिन्न पलटने पर, बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। भिन्न पलटने पर देखो, इसको नीचे से ऊपर कर दोगे और ऊपर से नीचे कर दोगे, और बराबर ये भी क्या आ जाएगा, तब dy dx आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, यहाँ पे लिख लेना, तो dy dx। ये प्रकार कहने का मतलब, जरूरी नहीं कि हमको dy dx ज्ञात करना है तो हम अवकलन x के सापेक्ष ही शुरू करें। अगर x के सापेक्ष अवकलन करने में कठिनाई हो रही है, y के सापेक्ष अवकलन आसान है, तो y के सापेक्ष भी तुम शुरुआत कर सकते हो और बाद में उत्तर को पलट देना, हो जाएगा। नोट कर लो,
एग्जाम्पल में लिखना, यदि e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y, तो सिद्ध करना है dy/dx बराबर माइनस e की पावर y माइनस x। चलो देखो फटाक से इसको देखो, क्योंकि e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y, दो ऑप्शन है यहाँ पे, जो दिया पहले इसका अवकलन कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम जानते हैं x की पावर m इंटू x की पावर n होता है तो x की पावर m प्लस n हो जाता है, आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाती है, इसका मतलब घात जुड़ी है तो आधार समान करके गुणा में अलग अलग कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो क्या होगा ये देखो, पहले e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x इंटू e की पावर y कर सकते हैं ना इसको। अब ऐसा तुमने सरल रेखा तो पढ़ ली, क्या बताए, दोनों पक्षों में e की पावर x इंटू e की पावर y से भाग कर दो, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, सवाल को आसान बना रहे हैं, दोनों पक्षों में भाग देना है अर्थात सभी पदों में भाग दिया जाएगा, तो इसमें भाग देंगे पहले e की पावर x इंटू e की पावर y का, प्लस इसमें भी भाग देंगे e की पावर x इंटू e की पावर y का, जो इधर है इसमें भी भाग देंगे किसका, e की पावर x इंटू e की पावर y का, होगा ना। इसमें e की पावर x से e की पावर x कट गया, इसमें e की पावर y से e की पावर y कट गया, इसमें पूरा कट गया एक बार में। फाइनली अगर ये नीचे है तो नीचे से जाएगा ऊपर, e की पावर क्या हो जाएगा माइनस वाई, और प्लस यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स बराबर एक, हो गया ना। अभी अगर इसको करते तो डीवाई डी एक्स दो जगह आता, एक तो जो e की पावर y का कर रहे हो, दूसरे जब इसमें x प्लस y का करते तब भी आता, यहाँ पे केवल एक जगह आएगा आएगा, लेकिन अंतर यही है कि मानक मानना पड़ेगा, एक बार मानक तो यहाँ भी मानना पड़ता, यहाँ पे कौन सा बच जाते हैं, यहाँ पे तो x प्लस वाई को मानक मानते, फिर x का अवकलन एक बार करते, y का करते, dy dx लिखते, e की पावर x प्लस वाई का उसमें गुणा कराते, फिर पक्षांतर करते, करते ना। तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा सवाल अगर इस तरह से करते हो। तो अब देखो करना क्या है तुमको, तरीका ध्यान देना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, dy/dx निकालना है ना, यह तरीका है। तो dx ऑफ e की पावर किसका माइनस y का, और प्लस dx ऑफ e की पावर किसका जी माइनस x का बराबर dx ऑफ एक का। तुमने e की पावर x का अवकलन पढ़ा तो इसको मानेंगे मानक, यहाँ भी तुमने e की पावर x का अवकलन पढ़ा तो इसको मानेंगे मानक। अब पहले हमने इसको जब मानक मान लिया तो इसका अवकलन सूत्र की तरह अर्थात e की पावर x की तरह होगा, क्या होगा, e की पावर माइनस y ही हो जाएगा, साथ में dy dx लिखना पड़ेगा क्या, साथ में dy dx लिखें फिर ddx ऑफ माइनस y का करें ना, है ठीक। अरे y वाले पद का अवकलन कर रहे हैं यहाँ पे, तो dy dx लिखना जरूरी है जैसे अवकलन करेंगे, क्यों नहीं होगा, कोई कारण क्यों नहीं होगा, बात को ध्यान से समझो, अभी हमने क्या बोला, आ जाओ इतना चिल्ला के बोले बैठा, हमने बोला क्या,
हम बोले ये है इसको मानक माने हैं। मानक मानने का मतलब वो x में चला गया है। अब अवकलन समझ ले, तुम e की पावर x का करो तो y की बात कहां से आएगी उसमें? आ जाओ, जब अवकलन हम x का कर रहे हो तो उसमें y की बात कहां से आएगी? इसका मतलब फिलहाल के लिए dy/dx नहीं लिखा जाएगा। जब तुम प्रॉपरली y का अवकलन करोगे ना, तब तुमको dy/dx लिखना है। अगर मानक मान ली हो तो वो y नहीं रह गया, मानक मानने के बाद तो वो x हो गया, समझ गए? इसीलिए जब तुम यहाँ पे मानक मान रहे हो इसको, तो dy/dx नहीं लिखा जाएगा। अब उसकी बात मत करो, अब उसके आगे जब y का अवकलन करेंगे तब dy/dx लिखा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे dy/dx नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने इसको मानक मान के x में बदल लिया है। अब तुरंत इसके बाद जिसको हमने मानक माना है उसका अवकलन, अर्थात किसका अवकलन? माइनस वाई का अवकलन। ऐसे ही इसका हो जाएगा सूत्र की तरह e की पावर माइनस x, फिर तुरंत dx आप क्या करना होगा, माइनस x का, और इधर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आगे ध्यान दो, e की पावर माइनस वाई है, ये तो रहेगा ही, इसमें माइनस वाई का अवकलन, माइनस तो रहेगा ही, वाई का अवकलन क्या होता है एक। अब तुमने y का अवकलन किया, किया ना y का अवकलन, तो क्या होगा, dy/dx अब लिखा जाएगा प्लस e की पावर माइनस x, और इसमें तो तुम्हारा माइनस एक हो गया बराबर जीरो, तो माइनस e की पावर माइनस वाई इंटू dy/dx माइनस e की पावर माइनस x बराबर जीरो। तो देखो इसको पलट दो बेचारे, ऊपर बहुत रह लिया है, देख के चलो फिर नीचे e की पावर y होगा, हो गया dy/dx बराबर लेके जाओ e की पावर माइनस x। तो ध्यान से देखना, ये नीचे से जाएगा ऊपर, dy/dx बराबर, माइनस को भी भेजो उधर, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो e की पावर y इंटू e की पावर क्या बना, माइनस x, आधार समान है, घात क्या हो जाएगी, घात क्या होगी जी आधार समान होने पर, जुड़ेगी, तो y प्लस माइनस x, अर्थात क्या रह जाएगा, y माइनस x ही रह जाएगा, रहेगा ना, यही हमारा आंसर है, यही हमको प्रूफ करना था। नोट कर लो फटाक से, अब सवाल लगा क्या होगा से, नहीं समझ में आया होगा तो कल पूछ लेना, नहीं तो छापते रहो, बीच में पूछते रहो जहां नहीं समझ में आएगा।